हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो जो है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि केएल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपके लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है। तो अभी आपको जो है अप्लाई कैसे करनी है, एडमिशन लेनी है, तो अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करनी है, क्या प्रोसेस करने होंगे, किस तरीके से करनी होगी, सारी चीज़ें आपको जो इस वीडियो में बताने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ कि केएल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर भी मिलते रहेंगे। ओके, तो आपको अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करके टाइप करके सर्च करनी होगी। सो फर्स्ट वाले लिंक पे एग्जैक्टली क्लिक करनी होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं KLU यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड ऑन फर्स्ट, यहाँ पे फेस फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन फॉर UG एंड PG कोर्सेज के लिए। ओके, KL यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने होंगे, क्लिक है टू चेक अप्लीकेशन डिटेल। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करनी, नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, ये तो फिल करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट दिखाना है इसमें, तो गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करना है और इससे ये होगा कि आपके जो है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे KLU के रिलेटेड। तो अभी आपको इसे कट करना है और क्लिक है टू चेक अप्लीकेशन डिटेल्स, स्क्रॉल डाउन, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTP चाहिए, आपके फ़ोन पे OTP जाएगा, गेट OTP पे क्लिक करना, OTP जाएगा और OTP यहाँ पे टाइप करना। सेलेक्ट स्टेट, सिटी, स्टेट अभी कौन से स्टेट से हैं, सिटी कौन सी आपकी, और कैंपस हैदराबाद या फिर जो भी है आपका, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है यहाँ पे और टिक करनी है यहाँ पे और सबमिट क्लिक करना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थैंक यू, यू हैव नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर विद KL यूनिवर्सिटी, टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन द नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको फिल करनी है। तो आपके ईमेल आईडी पे आपको एक मेल सेंड किया रहेगा, वो मेल ओपन करना है आपके ईमेल आईडी पे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक हियर पर क्लिक कर दूँगा, KL यूनिवर्सिटी का मेरे पास ईमेल आया था, मैं जो मेल ईमेल आईडी दिया था सेकंड में। अब यहाँ पर फ़ी देख सकते हैं और अप्लाई का ऑप्शन है यहाँ पर, अप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेगुलर एडमिशंस, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, 1995 जैन 1। मेल या फीमेल, नेशनलिटी आपकी क्या है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, कैटेगरी कौन सी है, जनरल, 12th ग्रुप, ओके, यहाँ पे अलग अलग है, MPC मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो है आपका बता देना, पेरेंट्स या फिर गार्जियन का नाम, आधार कार्ड नंबर आपका ही चाहिए आपका, कम्युनिकेशन एड्रेस इन ब्लॉक लेटर में, ये आपको एड्रेस देनी है यहाँ पे, एड्रेस सेकंड, पिन कोड नंबर भी देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑप्शंस, सेलेक्ट योर, सेलेक्ट ईयर फॉर एडमिशंस, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सेलेक्ट कैंपस, प्रोग्राम अप्लाइंग, कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, हाउ डू यू नो अबाउट KL यूनिवर्सिटी के बारे में, आपने कैसे जाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा, या फिर TV, रेडियो, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडमिशंस काउंसलर, या फिर कोई फ्रेंड आपको बताया, तो जो भी आप बता सकते हैं आपका आंसर। अपलोड डिजिटल फोटोग्राफ्स, अपना फोटोग्राफ्स अपलोड करने यहाँ पे, जो JPG फॉर्मेट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, आपका फ़ोटो और पीछे बैकग्राउंड में वाइट कलर या फिर ब्लैक कलर, जो भी रेड कलर, मतलब ऐसा, ठीक है, कलरिंग नहीं होना चाहिए ऐसा नॉर्मली जैसा फ़ोटो में फ़ोन में क्लिक करते हैं, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जानते हैं वैसा एग्जैक्टली रहेगा। और अपलोड योर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट अपलोड करनी है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड योर EAM इंटर स्कोर कार्ड, अपलोड योर JEE मेन स्कोर कार्ड, अपलोड योर JEE एडवांस स्कोर कार्ड, ठीक है, अपलोड योर KL AAA स्कोर कार्ड और अनाटा, अगर आपने मतलब एग्ज़ाम दिया रहेगा तो आप दे सकते हैं इस सब का, बाकी जो नॉर्मली वो सब कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे मेरा पेमेंट स्टेटमेंट आ चुका है, पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर देखे, मुझे आगे बढ़नी होगी, मेक पेमेंट पे क्लिक करना और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, वॉलेट यूपीआई के थ्रू मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिस थ्रू भी आप चाहूँगा उस तरीके से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर कर लेनी पेमेंट, जो भी रहेगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड डालना और कार्ड होल्डर नेम एंड पे नाउ पे क्लिक करना। नेट बैंकिंग वॉलेट भी यहाँ पे अवेलेबल है, यूपीआई अवेलेबल है, एंटर योर वीपी ए और पे नाउ पे क्लिक करके पे करना। तो आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है, आपको इस पेज पर आना और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर लेनी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।